भाई आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक बीमारी बच्चों में दिखाई देती है, अपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर। उसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। कोई बच्चे में 6 महीने तक ये लक्षण दिखाई दिए, मैं जब भी बोलने वाला हूँ 6 महीने तक, तो बोलते उसको अपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर है। तो ये बच्चा नकारात्मक रहता है, अवज्ञाकारी रहता है और विरोधी बर्ताव करते रहते हैं। नकारात्मक, अवज्ञाकारी और विरोधी बर्ताव करते रहते, जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। कोई भी चीज होगी तो बहुत जल्दी उसको गुस्सा करना, चिढ़ जाना, फिर बड़ों के साथ में बहस करना, आर्गुमेंट, छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करेगा। ऐसा तो ऐसा क्यों, वैसा तो वैसा क्यों, मैं करूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा बहुत आर्गुमेंट करेगा। जो बड़ों ने बताया करके उसका एकदम उल्टा कर, जानबूझ के उल्टा, फिर लोगों को गुस्सा दिलाना बाकी लोगों को। उसको मालूम है कि कहां बटन दबाने का है, तो जानबूझ के कुछ तो उल्टा पुल्टा करेगा ताकि बाकी माँ बाप को गुस्सा आएगा, बड़ों को गुस्सा आएगा, ऐसा कुछ तो भी काम करेगा। फिर खुद गलती करेगा और खुद के गलती के लिए लोगों को दोष देगा और उनके ऊपर गुस्सा करेगा कि तुम दोषी है, मुझे ऐसा हो गया, इसलिए वो दोष लोगों को देगा और उनके ऊपर उंगलियां उठाएगा। थोड़ा सा उसको विरोध किया, थोड़ा भी अपोजिशन किया, तो बहुत ज्यादा गुस्सा करके कुछ तोड़फोड़ भी कर सकता है। तो उसको जरा भी विरोध नहीं करता, उसके मन जैसे ही पूरा होना जरूरी है। ये बच्चा हरदम चिढ़ा हुआ रहता है, हरदम चिढ़ा हुआ, गुस्से में रहना, चिढ़ा हुआ रहना, मतलब जैसा घासले डाल के रखा हुआ है, बस थोड़ी माचिस की काड़ी जो है वो थोड़ी घस लिया तो अंगार लग जाती और भड़का हो जाएगा। हरदम चिढ़ा हुआ रहना, ये बहुत ईर्ष्यालु रहता है, ईर्ष्यालु, बहुत जिलस, कोई अपराधीपन की भावना नहीं रहती, ईर्ष्यालु है, कंपेयर करेगा और बड़ों का कुछ मानेगा नहीं, और भाई माँ बाप को ये समझता है इसको करना ही क्या, ये बना कहां से। अभी इसका कारण जो है तो ऐसा हो सकता है कि उसके माँ बाप में से कोई ना कोई डोमिनेटिंग नेचर का है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर, मतलब दबाव डालने वाला, प्रेशर डालने वाला पिताजी। तो उसको बचपन में एकदम वो नहीं, जो चाहता वो नहीं करने दिया, उसको बोला कि चल मैं बोलता हूं ऐसा कर, उसको समझाया नहीं, उसको बताया नहीं कि ऐसा क्यों करना, और उसको मार ठोक मारपीट किया होगा, मारा होगा, और बहुत प्रेशर डाल के, ऐसे अथॉरिटी फिगर है पिताजी और बहुत गुस्से वाले हैं, ऐसा उसकी पिताजी का या उसके बाप का स्वभाव होगा, और वहां से फिर वो धीरे 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 डेवलप हो जाता है। या फिर कोई रोल मॉडल है उसके घर में, कि जो रोल मॉडल को देख देख के वो ऐसा हो जाता है। फिर और कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके दादा दादी या कोई अंकल या कोई अभी घर में होने वाले व्यक्ति कि जो रोल मॉडल है, और वहां से वो ऐसा बन जाता है। उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि अपोजिशन करना, गुस्सा करना, और मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा करना। क्या होता है, बच्चों को आपने जो मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया, जब एकदम छोटा रहता है तो उसको आदत बन जाती है कि जो मांगा वो मिल जाता है, और वो मांगा नहीं दिया तो क्या करता है, छोटा बच्चा एकदम बैठ जाएगा, हाथ पर झाड़ेगा, चिल्लाएगा, फिर हम क्या कहते, चलो भाई चिल्लाओ मत, चलो ले लो। तो उसको मालूम है कि अपने चिल्लाया, अपने हाथ पर झाड़े, इधर उधर से कुछ तो भी गुस्सा किया, बताया कि गुस्सा हो गया करके, तो माँ बाप अपने को दे देते। तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है वो कुछ भी नहीं रहता, वो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेट ही नहीं करता। मांगा तो मिलना चाहिए और नहीं मांगा तो फिर ये ऐसा हो जाता, एकदम वायलेंट होना या कुछ तो भी उल्टा पुल्टा करना, तो उसको जैसे आदत सी हो जाती है, और वो आदत होने से बड़ा बड़ा जब होता है तो उसकी मांग यदि, उसकी डिमांड यदि पूरी नहीं करते हम बच्चों की, तो फिर वो डिफाइंड बिहेवियर करते रहता है। उसे लगता है कि ये बिहेवियर किया तो मुझे चाहिए मिल जाएगा, मगर बड़ा होने के बाद में फिर वो चाहिए वो मिलता नहीं है, आदत तो वो पड़ी है और आदत से मजबूत, और फिर अभी कैच है कि अभी पिताजी ने माने करना है। इसमें बहुत ज्यादा है कि वो गुस्से वाला है, बहुत ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो कुछ कम मात्रा में उसको हम दवाई दे सकते हैं, जो दवाई से उसका बिहेवियर थोड़ा क्वाइट हो जाए। उसको मिथाइल फेनिडेट जैसे जो साइकोस्टिम्युलेंट है, या फिर एटोमॉक्सिटिन जो है, वो हम उसको दे सकते हैं दवाइयाँ, कि जिससे उसको फायदा हो सकता है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव है तो उसको थोड़ी दवाइयाँ शांत करने की दे सकते हैं, और मेनली जो है वो माँ बाप का काउंसिलिंग, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, वो होना जरूरी है, जिसकी वजह से ये बच्चा अच्छा हो सकता है या घर में शांति आ सकती है। डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन होना जरूरी है, और डिसिप्लिन माँ बाप की नहीं रही
तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। माँ बाप को लगता है कि अपने डिसिप्लिन लगा दिया, अभी कठोर हो गए तो बच्चा घर से भाग जाएगा, बच्चा अभी सुसाइड कर लेगा या कुछ तो भी गड़बड़ कर देगा, उससे अच्छे ज्ञान दो जो अपन दे सकते वो करो, और उनकी डिमांड पूरी करते जाते फिर ज्यादा ज्यादा निगेटिव बनते जाते। तो फैमिली काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।